हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो घर की हालत जो है वो बहुत ही उथल पुथल हुई हुई है, क्योंकि आज हम लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बेसिकली वी आर मूविंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ घर का क्या हाल है। तो यहाँ पे सारा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स खुल गया है और वो सारी बॉक्सेस हैं, उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो पैक हो गई हैं। तो यहाँ पे दो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थे, वो सब खुल गए हैं और इन लोगों ने भी ना अपनी सारी चीज़ें निकाल निकाल के फेंक दी हैं। और इस रूम में जो बेड वगैरह था वो सब डिसमेंटल हो गया है और मैक्सिमम चीज़ें ना इस रूम से हम लोगों ने पैक कर दी हैं। और ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, तो अब बारिश में ना ये सारे सामान को मूव करना इतना इजी नहीं होगा। खैर देखते हैं कि कैसे हम इस मौसम के साथ ना मूव कर पाते हैं। ही मूव कर रहे हैं, यानी हम बर्मिंगम में ही मूव कर रहे हैं। तो हमारा घर यहाँ से लाइक 10 मिनट्स ड्राइव पे है, जो हमारा नया घर है। तो फिर भी लेकिन हमारे पास फर्नीचर बहुत सारे थे, बड़े बड़े फर्नीचर थे जो कार में नहीं जा सकते थे, तो हम लोगों ने वैन मंगवाई थी। अब इस वैन को देखकर मैं एकदम श्योर थी कि भाई एक बार में ना हमारी चीज़ें जो है वो नहीं जा पाएंगी, तो दो शिफ्ट्स हमें लगवाने पड़े। और ये था कि बस यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैट्रेस जा रहा, और ये जैसे मैट्रेस इन्होंने डाला तो मुझे लगा इसके बाद शायद ही कोई भी चीज़ रखने की गुंजाइश होगी। बट इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि चीज़ें कैसे रखनी है, सेटल कैसे कर देना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ना चीज़ों को अच्छे से जमा दिया था। और ये गई यहाँ पे साइकिल, तो ये भी था कि अगर साइकिल नहीं जाती इस वैन से तो साइकिल कैसे जाती, इतनी दूर चलाकर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मोर और लेस किसी तरीके से ना हमारी चीज़ें पहुंच गई। और ये सारे काम में करते करते भूख तो लगती है। किचन मैंने पूरा पैक कर दिया था, तो इसलिए मैंने ना फ़िश और चिप्स यहाँ पे मंगवा ली थी और मैगी मंगवा ली थी। वो सारी चीज़ें मंगवाई थी जिसमें ज़्यादा बर्तन जो है ना मुझे यूज़ ना करना पड़े। रेडी टू ईट जो रहता है ना खाना, वो इन सब सिचुएशन में ना सबसे सूटेबल होता है। बस आप डालो, बेक करो और खाओ। बर्तन भी कम यूज़ होते हैं और ईज़िली आपको ना बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और मैगी तो है ही भाई, हर सिचुएशन में आपको बचाने के लिए मैगी तो है ही, बनी इसलिए है। तो मैंने यहाँ पे मैगी भी थोड़ी सी बना दी। और फाइनली हम आ गए अपने नए घर। और यहाँ पे जैसे मैं इन हुई हूँ तो देख रही हूँ सारी चीज़ें इन लोगों ने लिविंग रूम में डंप कर दी थी। और बॉक्सेस जो हैं वो आपका डाइनिंग एरिया में था, और फिर भी ना अभी भी गाड़ी में चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी। और अभी उस घर में जो हमारा पुराना घर है वहाँ अभी भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो हम कल ले आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्सेस वगैरह हैं और ये सारे बॉक्सेस और चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स इन लोगों ने लाकर यहाँ पे रख दिया है। तो अभी अनबॉक्स करने में ना मुझे पता चलेगा। मुझे लगता है पैक करना ईजी है, बट अनपैक करना थोड़ा टफ है। और यहाँ पे बच्चों के तो मज़े हो गए, बस सीढ़ी चढ़ना उतरना ये खेल इनका शुरू हो गया, तो इनको भी देखना पड़ता है यहाँ पे, ख़ासकर रिजान को, क्योंकि उसको उतना आइडिया नहीं है उतरने का। तो मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन बच्चे ना अपने आप ही ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और बस अभी ऊपर कुछ चीज़ें सेट करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने कहा फटाफट से ना चाय बना लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई है और सबको भूख भी लगने लगी है। और यहाँ पे मैं लाइट्स वगैरह चेक कर रही थी, ये सब मैंने देखा नहीं था, तो आज मैं सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ। और पहली बार नए घर का चूल्हा मैंने जलाया है और चढ़ा दी है चाय, क्योंकि सब इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि अब सच में चाय की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं किचन का भी लाइट्स वगैरह चेक कर रही थी कि सारी लाइट्स यू नो फंक्शनल हैं कि नहीं है। तो काफ़ी लाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट, और मुझे ना ऐसे ही चाहिए अपना किचन, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। डार्क किचन में ना काम करने में मज़ा नहीं आता है। और विंडो तो कंपलसरी है, अगर आप लाइट नहीं भी जला रहे हो ना तो बाहर से लाइट आनी चाहिए। किचन थोड़ा स्पेशियस हो और उसमें बहुत लाइटिंग बहुत अच्छी हो ना तो काम करने में मज़ा आता है। और ये देखिए यहाँ ये कर्टेन है, तो बस इसको हटा दो और बाहर आप अपना गार्डन देख सकते हो। अगर बच्चे बाहर खेल रहे तो आप किचन से भी ना उन पर नज़र रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी तो किचन सेट करने में भी ना काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पे मेरी चाय जो है वो बन गई है। तो इस घर की पहली चाय जो है वो मैं बना रही हूँ। और
थोड़ा धीरे धीरे ना चीज़ें प्रोसेस होंगी, चेंज जो है वो प्रोसेस होगा। और अभी पीछे मेरे पीछे आपको देख रहे होंगे बॉक्सेस, तो इनको अनबॉक्स करना एक बहुत बड़ा काम है। तो वो धीरे धीरे यू नो ग्रेजुअली सारी चीज़ें सेट होंगी, होपफुली जल्दी जल्दी चीज़ें मैं कर पाऊँ। और पीते हैं पहली चाय इस घर की। और दिन इतना हेक्टिक था कि ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है हम दोनों ही हैं हस्बैंड और मैं, कि हम दोनों को ही हर चीज़ अकेले मैनेज करनी पड़ती, तो उसमें ना वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाई है सो दैट आई कैन कीप यू गाइज अपडेटेड। तो आज का डे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा। और हो सकता हो अभी चाय वाय पीने के बाद फिर हम काम पे लग जाएं, तो इतना मौका नहीं मिलता है यू नो कि शूट कर पाएं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डे यहीं एंड नहीं होता है, अभी जो है कल का जो डे है वो हम जाएंगे वापस से अपने उस पुराने वाले घर, वहाँ पे अभी भी कुछ दो चार चीज़ें हैं तो वो लेकर आएंगे और उस घर को क्लीन करना है। तो यूके में पता है अगर आप घर छोड़ रहे तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू मेक इट नीट एंड टाइडी। तो उसको थोड़ी सी क्लीननेस, बाथरूम वगैरह हमें क्लीन करना है, तो वो सारा काम कल जो है हम करेंगे। आज का डे जो यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।